ओके सो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेंट। दोस्तों कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी के कई ऐसे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना कम नहीं हो रहा है और यहाँ पे बेड्स, ऑक्सीजन की कमी भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है 3 मई से 18 मई तक 15 दिनों के लिए भारत में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाले हैं। जैसे 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था उसी प्रकार फिर से ट्रेन बस सारी कैंसिल होंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर बढ़ने से पहले भाई के नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी के अलावा कई सारे ऐसे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना कम नहीं हो रहा है। इसी के देखते हुए प्रधानमंत्री फैसला ले सकता है 15 दिन के लिए भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का, लेकिन अभी लिया नहीं गया है, लेकिन आजकल में लिया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ लॉकडाउन। लेकिन जो भी लॉकडाउन लगाया जाएगा बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। आवश्यक जरूरी है वो आपको चलेंगे, बस ट्रेन बिल्कुल चलेंगे, बस ट्रेन कैंसिल नहीं होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कवर किया था जिसमें बताया था, रेलवे की तरफ से कोई भी ऐसे अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया गया हो जितने भी ट्रेन चल रहे हैं सारे ट्रेन कैंसिल होंगे। जहाँ तक रेलवे यहाँ पे प्रत्येक दिन न्यू स्पेशल ट्रेन चलाए रहे हैं और कुछ स्पेशल ट्रेन कैंसिल भी कर रहे हैं। जिस रूट में पैसेंजर कम है उस रूट में ट्रेन कैंसिल कर रहे हैं। तो देखते हैं संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो कितने दिनों के लिए लगता है। ज़्यादातर ये 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अलग अलग राज्य का अलग अलग गाइडलाइंस जारी किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।